जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं भगवान राम और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी की यह कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं, यह भी जानते हैं कि दशरथ नंदन राम हनुमान के हृदय में बसते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि एक बार पवन सुत हनुमान श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए थे। हो सकता है यह सुनकर आपको हैरानी हो, लेकिन यह सत्य है। और इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी सुनने और पढ़ने को मिलता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पवन सुत जब श्री राम से लड़ने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सौगंध भी मर्यादा पुरुषोत्तम की ही ली। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम के परम भक्त पवन सुत को उनसे युद्ध करना पड़ा। कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। कैवर्त देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रायोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दे दिया। सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी। इसके बाद कहा कि जिस सभा में जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो, वह भी पहले राजा ही थे, अब संत हो गए हैं, मत करना प्रणाम। राजा सुकंत ने कहा, ठीक है, वैसा ही करूंगा। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है, वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरु जी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जान कर क्या करोगे। इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध कर दूंगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्रार्थना की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंद के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता, मुझे बचा ले, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंद को उनके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई। लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले पवन सुत से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि
वह सुकंद के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन है तुम्हें मारना चाहता? तब सुकंद ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंद को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बताया कि वह राजा सुकंद का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध लिया हूँ। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा सुकंद को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंद को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन वह नहीं मिले तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंद डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछता कि बच जाएंगे हम? तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे तो हनुमान जी ने सुकंद को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंद को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवन सुत के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवन सुत ने सुकंद को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवन सुत की जगह राजा सुकंद थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। इसकी मृत्यु भी और जीवन भी, आप ही सुकंद के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंद से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंद से पूछा कि
संत का सम्मान ना करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली? राजा सुकन विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है।